साउथ इंडिया की इमली राइस काफ़ी फेमस है और इसे बनाना काफ़ी आसान है। इमली राइस बनाने के लिए 3 से 4 चम्मच तेल लेंगे। तेल गर्म होते ही हम इसमें 1 छोटी चम्मच राई डालेंगे। राई चटकने के बाद 1 बड़ा चम्मच चना की दाल, 1 छोटी चम्मच उड़द की दाल डालेंगे। दोनों दाल को 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम 1/4 कप मूंगफली डालेंगे। इन सब को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। मूंगफली और दाल का कलर चेंज हो गया है। अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 10 से 12 काजू, 10 से 15 करी पत्ता डालेंगे। सभी को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 पाव डालने के बाद इसमें हम 50 ग्राम इमली का पल्प डालेंगे। इसे हमें 2 मिनट के लिए कुक करना है। स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छे से मिला देंगे। अब इसमें उबला हुआ चावल डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप उबला हुआ चावल लिया है। आप चाहे तो इसमें बचे हुए चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल को हल्के हल्के मिलाएं, नहीं तो वो टूटने लगते हैं। तो ये हमारी सुपर टेस्टी इमली राइस बनकर तैयार है, जिसे बनने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं और खाने बहुत टेस्टी लगते हैं। ऐसे ही मज़ेदार और स्वादिष्ट रेसिपी देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।